फिरोजाबाद में आज नगर निगम में उपसभापति के नामांकन व मतदान की प्रक्रिया के मेयर नूतन राठौर व नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रारंभ हुई। 11 पार्षदों में से 3 पार्षदों ने उपसभापति पद के लिए नामांकन किया, जिसमें 2 बीजेपी पार्षद विनीता अग्रवाल व योगेश संखवार और 1 समाजवादी पार्टी के पार्षद असलम रजा ने नामांकन दाखिल किया। मतदान होने के बाद जब मतदान की गिनती हुई तो पता चला कि कुल 11 मतों में से 4-4 बीजेपी उम्मीदवार के खाते में आए, वहीं समाजवादी पार्टी के असलम रजा को 3 मत ही मिले। 3 मत देखते ही असलम रजा मंच से नीचे आए और फिर 2 उम्मीदवार बीजेपी से विनीता अग्रवाल व योगेश संखवार के लिए बीजेपी से चुनी गई मेयर नूतन राठौर को काफी फैसला सुनाने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का सहारा लेते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में मेयर को उपसभापति को चुनने का अधिकार होता है। वैसे ही दोनों बीजेपी पार्षद में से 1 पार्षद विनीता अग्रवाल की पैरवी करने वाली पूनम शर्मा ने विरोध किया, कहा कि मेयर अपनी मनमानी कर रही, यदि ऐसा था तो मतदान होने से पहले ही अधिनियम के बारे में बताया जाता। काफी कहा सुनी पुलिस से भी हुई और मेयर नूतन राठौर के विरोध में काफी नारेबाजी की। आखिरकार मेयर नूतन राठौर ने फैसला सुनाते हुए उपसभापति के पद के लिए योगेश संखवार का नाम घोषित करके फैसला सुना दिया। वो भी आज यहाँ चला। अब जब इलेक्शन होने को आया, इलेक्शन हुआ, उसमें 4-4 हम सबको मत मिले, 2 प्रत्याशियों को, उसमें उन्होंने एक्ट बोल के रख लिया, जबकि एक्ट जब दिखाया जाता है, जब हमारे यहाँ चुनाव शुरू होता है उसमें बताया जाता है अगर ऐसा हुआ तो ये नियम लागू होगा, लेकिन ये नियम लागू हमें एंड टाइम पे जब हो चुका है उसके बाद दिखा रही है। बीजेपी नहीं है, एक थे, मैंने अभी स्पष्ट किया है आपके चैनल के माध्यम से, फिर स्पष्ट करना चाहती हूँ, यहाँ बीजेपी एक कैंडिडेट है विनीता अग्रवाल, ये जो योगेश है ये कोई प्रत्याशी नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी, 2 दिन से उनके साथ चल रहे नगर मेयर के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुए, मेयर हमारी खुद ही पार्टी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, वो भी हमारे अभी शामिल हुई है इलेक्शन के समय पर, तब उनको घोषित किया गया भारतीय जनता, हमारे साथ पक्षपात हुआ है और थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, पूरा पूरा हुआ है, जो वो मन बनाई थी, मन बना के आई थी घर से, वो